वन टू थ्री। अस्सलाम वालेकुम। हेलो यार दे वीडियो मित्र से लियो बकरियो ते ले लियो याले ठीक हो ना। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारे प्यारे जानू मनु मजे में होंगे। तो इस टाइम पे मेरे पास दो डिवाइसेस हैं, आईपैड एयर 5, आईपैड एयर 4, एयर 4, एयर 5। तो दोनों की दोनों डिवाइसेस 64 GB में है मेरे पास। आईपैड एयर 4 एयर की 4th जनरेशन, आईपैड एयर की 5th जनरेशन। इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है और इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, अभी हम लोग इनका फेस टू फेस फायर टेस्ट करेंगे और देखेंगे किसकी बुलेट रजिस्ट्रेशन ज्यादा अच्छी है और कौन सी वाली डिवाइस विन करती है। iPad Air 5 के अंदर 8 GB रैम, M1 चिप और 64 GB है और 60 Hz का डिस्प्ले है, मतलब 60 FPS है। और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है 4 GB रैम, A14 बाय अनेक, 60 Hz का डिस्प्ले, मतलब 60 FPS ही मिलते हैं। दोनों की दोनों डिवाइसेस के जो FPS है वो सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर हम लोग इनके अंदर बात करते हैं कि इनके अंदर चेंज क्या है, तो वो फिर भाई चेंजिंग बहुत बड़ी है। 8 GB रैम, 4 GB रैम, M1 चिप और यहाँ पर A14, और बहुत बड़ा फर्क है। तो लेट्स मूव, हम लोग रूम बना लेते हैं और देखते हैं क्या सीन्स है। अच्छा, रूम हम लोगों ने एयर 4 के अंदर बनाया। हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैच में एंटर होने की टाइमिंग किसकी पहले है, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि कौन सी वाली डिवाइस जो है ना हगने वाली है। यहाँ से भी कुछ ना कुछ आइडिया हो सकता है हमें। यहाँ पर आवाज पहले, ओके, यहाँ पर ये हल्की सी पहले एंटर हुई है, मतलब टाइम तकरीबन तकरीबन सेम ही है, बट थोड़ा बहुत फर्क है। हम लोग ज्यादा फर्क भी नहीं कह सकते। ग्राफिक्स हम लोग स्मूथ एक्सट्रीम पे कर लेते हैं। ओके, दोनों की ग्राफिक्स स्मूथ एक्सट्रीम पे, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है। देखो ग्राफिक्स दोनों के एक्सट्रीम स्मूथ 4x एंटीलाइजिंग और बाकी की सारी चीजें सेम है। दोनों में हम लोग M4 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी दोनों की दोनों डिवाइसेस सामने सामने आ चुकी हैं। अब हम लोग इनको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी वाली डिवाइस की बुलेट रजिस्ट्रेशन ऐसी है कि वो दूसरे को हरा देगी। हम लोग 3 टाइम टेस्ट करेंगे। अगर 2 टाइम कोई डिवाइस विन कर भी जाती है गठी एक बार में, तो हम लोग जो है ना फिर भी टेस्ट करेंगे और देखेंगे यार क्या होता है। लेट्स मूव। तो दोनों की दोनों डिवाइसेस का हम लोग एम सेम टू सेम रखेंगे, मतलब चेस्ट पे भी, चेस्ट से थोड़ा सा नीचे, चेस्ट ब्रेस्ट मतलब हाँ, चेस्ट से थोड़ा सा नीचे रखेंगे, ताकि जब हम लोग फायर करेंगे ऊपर को जाएगा। तो 1 2 3 करके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसकी बुलेट रजिस्ट्रेशन अच्छी है। 1 2 3। ओ भाई साहब, यहाँ पर हमारा एयर 4 जो है वो तकरीबन 25% हेल्थ है और 50% से ऊपर इसकी वेस्ट जा चुकी है। ये M1 चिप को लेके जा चुका है, अब वो भी 10 बुलेट्स के अंदर। अब ऐसा क्यों हुआ है ये मुझे नहीं पता, बट बुलेट अभी अच्छी रजिस्टर की है। दोनों की MS भी 20 आ रही है, MS का भी कोई इशू नहीं है। ओके, फर्स्ट टाइम में हमारा जो है वो iPad Air 4 जो है iPad M1 को हरा चुका है, 50% वेस्ट जा चुकी है। अभी दोबारा हम लोग वेस्ट के ऊपर ही रखेंगे पेट के ऊपर और दोबारा से 1 2 3 करके स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कौन सी वाली डिवाइस इस बार कौन सी वाली डिवाइस बुलेट अच्छी रजिस्टर करती है। सेकेंड टाइम है 1 2 3। ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है, ये ग्लेशियर की ज्यादा पावर है या क्या सीन है। यहाँ पर इस टाइम पे 12 बुलेट्स इसकी वेस्ट बिल्कुल उड़ चुकी है हमारे एयर 4 की। एयर 5 जो है वो मार खा चुका है इस टाइम भी। मुझे यार हैरत हो रही है, M1 चिप 8 GB रैम के साथ एयर 4 से मार खा रहा है। वैसे मार खानी बनती नहीं है। तो लेट्स मूव, हमारा अगर हम लोग विनर कहें तो वो विनर इस टाइम पे हमारा iPad Air 4 हो चुका है। बट फिर भी हम लोग एक लास्ट टाइम टेस्ट करेंगे। 1 2 3 करके स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। ओ ओ ओ, 50% से भी ऊपर हेल्थ है और एयर 4 को लेके जा चुके हैं। बट इस टाइम पे हमारा जो विनर है वो iPad Air 5 एयर 4 है, ठीक है, एयर 4 ने विन किया है। लेकिन मैं आप लोगों को हॉनेस्ट रिव्यू में बात बताता हूँ कि यार देखो, मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को इस तरीके से गाइड करूँ कि ताकि आप लोगों को चीज़ की समझ आए। देखो, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि ये वाली डिवाइस बहुत अच्छी है, एयर 5 से बहुत अच्छी है। बट एक चीज़ है, फेस टू फेस
फायर टेस्ट में ये हारा है, बिल्कुल ये हारा है एयर फाइव। बट अगर हम लोग बात करें कौन सी वाली डिवाइस अच्छी है तो उसके अंदर क्या चीज पावरफुल है, तो उस हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। एयर फाइव के अंदर 8 GB रैम मिलती है, M1 चिप मिलती है और 60 Hz का ही डिस्प्ले है। बट ये डिवाइस इससे ज्यादा पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। यहाँ पर बुलेट रजिस्ट्रेशन इसका अच्छा है क्योंकि इसके अंदर गेम है, बाकी सारे रिसोर्स हुए हुए, रिपोर्ट नहीं है इसके अंदर। मतलब यहाँ पर क्योंकि ये नई डिवाइसेस में से आती है तो हो सकता है इनके अंदर कुछ छोटा मोटा ग्लिच हो जो कि आगे चल के आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। अगर आप लोगों को डिवाइस इन दोनों में से मैं कहूँ कि कौन सी वाली बाय करनी चाहिए फॉर कॉन्टेंट या तो फिर भी इंजॉय के लिए भी, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा अगर आपके पास बजट है तो एयर फाइव पे जाओ, एयर फोर को फिलहाल मत बाय करो क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को ज्यादा टाइम दे सकता है, तकरीबन 3-4 साल 5 साल ये अच्छे से आराम से निकाल सकती है ये डिवाइस। अगर फेस टू फेस फायर टेस्ट पसंद आया और अगर आप लोग चाहते हो कि और किसी डिवाइस के साथ भी मैं इसका फेस टू फेस फायर टेस्ट करूं या किसी भी डिवाइस का आपस में कंपैरिजन चाहते हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं तो इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, नहीं तो मुझे बता दो। तो खैर मैं मिलता हूँ अपने प्यारे प्यारे जानवरों को, गिली वाली चुम्मी एंड लव यू, मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज, मुजरा देखते हुए जाओ।